Students, welcome back to Computer Science Exam Crack channel. So today we are going to do some practice questions based on functional dependency. ठीक है? तो functional dependency से related already मैं एक video डाल चुकी हूँ कि functional dependency होता क्या है. ठीक है? तो यहाँ पर हम कुछ shortcut methods और tricks use करने वाले हैं जिनसे कि आपको ये check करना आ जाए कि आपको अगर paper में बता दिया जाता है कि ये functional dependencies given है और इसमें से check करो कि आपकी वैलिड फंक्शनल डिपेंडेंसी कौन सी है. ठीक है? तो हम आज वैलिडिटी और इनवैलिडिटी को चेक करने वाले हैं फंक्शनल डिपेंडेंसीज की किसी पर्टिकुलर रिलेशन के अंदर. ठीक है? तो यहाँ पर कुछ ट्रिक्स यूज करने वाले हैं हम. एक फास्टेस्ट वे से हम चेक करेंगे कि वेदर दीज फंक्शनल डिपेंडेंसीज आर वैलिड और नॉट. ठीक है? तो आज भी हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ पर लेकर आ रहे हैं. दिस इज आवर क्वेश्चन. ठीक है? ये आपके पास रिलेशन गिवन है. इस रिलेशन में आपके पास थ्री एट्रीब्यूट्स है और ये फंक्शनल डिपेंडेंसीज आपको दे रखी है. ठीक है? इसमें से आपको चेक करके बताना कि कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी आपकी वैलिड है. ठीक है? अब देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इफ अल्फा टू बीटा कोई भी फंक्शनल डिपेंडेंसी अगर एग्जिस्ट करती है तो क्या होना चाहिए. इन एवरी कंडीशन बीटा वैल्यूज मस्ट बी सेम. ठीक है? क्या होना चाहिए कि अल्फा टू बीटा अगर कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी तो बीटा की वैल्यू मस्ट बी सेम फॉर अल्फा. अल्फा के केस में बीटा की वैल्यूज आपकी हर बार सेम आनी चाहिए. मीनिंग क्या हुआ कि देखो, अगर आपके पास मान लीजिए यहाँ रोल नंबर और सब्जेक्ट है, अल्फा ये है मेरा, बीटा ये है. ठीक है? अब देखिए, अल्फा मेरा 1001 है. इस केस में 1001 में बीटा की वैल्यू क्या आ रही है? मैथ्स आ रही है. दोबारा क्या आ रही है? इंग्लिश आ रही है. तीसरी बार क्या आ रही है? हिंदी आ रही है. तो ये फंक्शनल डिपेंडेंसी मेरी अच्छी नहीं है. दिस फंक्शनल डिपेंडेंसी इज नॉट होल्ड गुड. ठीक है? तो क्या करना है आपको कि अगर आपके पास अल्फा की वैल्यू 1001 है तो इन एवरी कंडीशन बीटा वैल्यूज मस्ट बी सेम. ठीक है? अगर 1001 पे मैथ्स मिला तो मुझे जितनी बार भी मैं 1001 की एंट्रीज देखूं तो मुझे वहां पर मैथ्स ही मिलना चाहिए. अगर आपको डिफरेंट वैल्यू मिलती है तो वो फंक्शनल डिपेंडेंसी आपकी वैलिड नहीं है. तो ये तो आपकी कंडीशन होती थी फंक्शनल डिपेंडेंसी की. ठीक है? अब हम ट्रिक यूज करेंगे. आपको क्या चेक करना है, देखिए फर्स्ट ट्रिक क्या रहेगी हमारी, अल्फा टू बीटा. अगर अल्फा की सारी वैल्यूज डिफरेंट है, ठीक है, अल्फा हैज ऑल वैल्यूज डिस्टिंक्ट. ठीक है? अलग अलग वैल्यूज हैं तो आप ये फंक्शनल डिपेंडेंसी आपकी वैलिड होगी. ठीक है? तो वहां पर सबसे पहले आपको क्या चेक कर लेना है, अल्फा की वैल्यूज अगर सारी अलग अलग आ रही है. मान लीजिए यहां पर जैसे है 1 2 3 आपके पास अल्फा है और बीटा की वैल्यू ए बी कुछ भी हो. ठीक है? आपको चेक नहीं करना. अगर अल्फा की वैल्यू सारी की सारी अलग है तो वो फंक्शनल डिपेंडेंसी गुड होती है. ठीक है? पहली कंडीशन. दूसरी कंडीशन क्या चेक करनी है, अल्फा टू बीटा. ठीक है? यहां पर आपको चेक करना है कि सेकंड कंडीशन कि बीटा की वैल्यू अगर सेम आ रही है. देखो यहां पर आपकी आ रही है, कुछ भी रिपीट होकर आ रहा है अल्फा, ये आपका अल्फा है, बीटा आ रहा है आपके पास सेम. ठीक है? अगर ऐसी कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी मिलती है तो ये भी फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है, आपकी गुड होती है. क्यों? क्योंकि देखो, 1 से 4 जा रहे हैं, 2 से, अब हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं है. ठीक है? तो यहां पर आपको दो ट्रिक यूज करनी है. पहले ट्रिक क्या देखनी है, अल्फा टू बीटा अगर कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी है तो अल्फा की वैल्यू अगर सारी डिफरेंट है, ठीक है, तो वो आपको फर्दर चेक करने की जरूरत ही नहीं है. आप सीधा बोल देंगे दिस फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड्स गुड. ठीक है? अगर फर्स्ट कंडीशन आपकी, फर्स्ट ट्रिक जो है हमारी फेल हो जाती है तो सेकंड ट्रिक में आपको क्या देखना है कि बीटा की वैल्यू को चेक करना है. अगर बीटा की वैल्यू सेम जा रही है, ठीक है, पूरे के पूरे कॉलम में क्या एक ही वैल्यू आ रही है तो भी आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी चेक करने की जरूरत नहीं. ये भी फंक्शनल डिपेंडेंसी आपकी ट्रू होती है, एक वैलिड फंक्शनल डिपेंडेंसी होती है. ठीक है? तो इन दोनों ट्रिक को सबसे पहले आप यूज करेंगे, अप्लाई करके देखेंगे किसी भी रिलेशन में चेक करने के लिए. अगर ये दोनों फेल हो जाती है तो हमारा एज यूजुअल जो मेथड है अल्फा टू बीटा वाला, तो वो चेक करना है आपने. उसमें क्या चेक करना है कि एवरी वैल्यू ऑफ अल्फा यू मस्ट हैव द सेम वैल्यू ऑफ बीटा. ठीक है? अगर आपके पास अल्फा की वैल्यू 1
आपके रिलेशन में 5 टाइम अकर हो रहा है और बीटा की वैल्यू आपकी हर टाइम क्या रही 5 5 5 आ रही है इन रिस्पेक्ट ऑफ 1, ठीक है, तो वो तो वैलिड फंक्शनल डिपेंडेंसी। अगर क्या हो रहा है कि आपके पास अल्फा की वैल्यू 1 1 है और बीटा की वैल्यू चेंज हो रही है, कभी आपको 4 मिल रहा है, कभी आपको 5 मिल रहा है, कभी आपको 3 मिल रहा है, तो वो फंक्शनल डिपेंडेंसी नॉट वैलिड, ठीक है, तो इट इज इनवैलिड। तो थर्ड जो आपका ऑप्शन है आपको वहां चेक करना पड़ेगा 1 by 1। पहले हम अपनी फर्स्ट ट्रिक को अप्लाई करेंगे जिसमें आपको अल्फा की वैल्यूज को चेक करना है। अल्फा की वैल्यू सारी अगर डिस्टिंक्ट है तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, आंख बंद करके आपको बता देना कि फंक्शनल डिपेंडेंसी आपकी राइट है, वैलिड है, ठीक है। दूसरा ट्रिक क्या करनी है, बीटा की वैल्यू को चेक करना है। बीटा की वैल्यू अगर सेम जा रही है, पूरे कॉलम में एक ही वैल्यू आ रही है, तो भी आपको चेक नहीं करना, ठीक है। थर्ड आपका 1 by 1 आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। आप देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास फर्स्ट फंक्शन डिपेंडेंसी क्या है, रोल नंबर और सब्जेक्ट और मार्क्स, रोल नंबर और सब्जेक्ट। अब आपके पास रोल नंबर और सब्जेक्ट से मिलकर क्या बन रहा है, एक आपके पास वैलिड फंक्शनल डिपेंडेंसी बोल सकते हो मैं इसको, क्यों, क्योंकि देखो 1001 मैथ्स, 1001 इंग्लिश, 1001 हिंदी, दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या हम डिस्टिंक्ट कर पा रहे हैं, कंबाइंड वो वैल्यूज जो हमारी डिफरेंट डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू में, ठीक है, और 100 से बायोलॉजी, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो मेरी वैलिड बनती है, फर्स्ट ट्रिक मेरी यहाँ पर यूज हो रही है, ठीक है। मैंने क्या बोला था कि अगर अल्फा टू बीटा, अल्फा डिस्टिंक्ट है तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, तो यहां पर मैं चेक नहीं करूंगी, ये फंक्शनल डिपेंडेंसी मेरी वैलिड है। फाइन, आप चेक कर लेते हैं दूसरा, यहां पर है एंड, दोनों ही फंक्शनल डिपेंडेंसीज अगर आपको ट्रू होंगी तभी आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब देखिए मार्क्स, मार्क्स है आपके 65 75 75 65, ये डिफरेंट आपके क्या रिपीट भी हो रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर तो मुझे चेक करना पड़ेगा। अब 65 पे सब्जेक्ट आ रहा है आपका मैथ्स, 75 पे इंग्लिश, 75 पे हिंदी, अब क्या हुआ, जो आपकी फंक्शनल डिपेंडेंसी की डेफिनेशन होती थी अल्फा टू बीटा, अगर अल्फा की एक वैल्यू पर आपको डिफरेंट वैल्यूज मिल रही है, अल्फा मान लीजिए मेरा यहाँ पे 65 है, एक बार 65 पे मुझे क्या मिल रहा है, मैथ्स मिल रहा है, एक बार 65 पे मुझे बायोलॉजी मिल रही है, तो ये मेरी फंक्शनल डिपेंडेंसी वैलिड नहीं है, तो मेरी ये सेकंड कंडीशन फेल हो गई, तो ये मेरा ऑप्शन ए जो है सेलेक्ट नहीं हुआ, ये ऑप्शन मेरा इनकरेक्ट है। अब मुझे सेकंड ऑप्शन की तरफ जाना है, सब्जेक्ट और मार्क्स से आप रोल नंबर को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। आप देख लीजिए सब्जेक्ट सारे इंडिविजुअल है मेरे, ठीक है, तो ये भी फंक्शनल डिपेंडेंसी मेरी वैलिड होगी, ठीक है। मैंने क्या बताया था, अल्फा टू बीटा, अगर अल्फा के सारे वैल्यूज डिस्टिंक्ट है तो फर्स्ट ट्रिक काम कर गई यहाँ पे मेरी, ठीक है, तो यहाँ पर रोल नंबर ये वैलिड होगी फंक्शनल डिपेंडेंसी। अब हम चेक करते हैं रोल नंबर से मार्क्स, रोल नंबर क्या है 1001, तो यहाँ पर वैल्यूज मेरी डिस्टिंक्ट नहीं है, ठीक है, और एक ही वैल्यू पे मुझे क्या है डिफरेंट वैल्यूज मिल रही है फंक्शनल डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग, एक बार मुझे 1001 पे 65 मिल रहा है, एक बार मुझे 75 मिल रहा है, तो ये मेरी फंक्शनल डिपेंडेंसी ये भी वैलिड नहीं है, ठीक है। आप देखते हैं थर्ड ऑप्शन, यहाँ पर आपके पास है सब्जेक्ट और मार्क्स, सब्जेक्ट हमारे पास यूनिक है, डिस्टिंक्ट है, ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट और मार्क्स के कॉम्बिनेशन से रोल नंबर फाइंड आउट हो रहा है, ये मेरी वैलिड थी तो इसको चेक मत करो, यहाँ पर वैलिड है मेरी। अब हम बात कर लेते हैं इसकी, सब्जेक्ट से मार्क्स, देखिए अब सब्जेक्ट क्या है 65 सब्जेक्ट क्या है मैथ्स, मैथ्स क्या मेरा सारी यूनिक वैल्यूज है, ठीक है, तो मुझे बीटा की वैल्यू चेक करने की जरूरत नहीं है, मेरी क्या है जो मेरी फर्स्ट ट्रिक थी वो काम कर गई, तो ये ऑप्शन भी ठीक है, ये भी मेरी वैलिड फंक्शनल डिपेंडेंसी है, ये भी मेरी वैलिड फंक्शनल डिपेंडेंसी, इट मींस कि ऑप्शन सी तो मेरा करेक्ट है, ठीक है, आंसर तो आपको मिल गया। अब आपको एक बार फोर्थ, वैसे मैं आपको समझा देती हूँ, वैसे तो आंसर क्या है कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, वहां पर अगर आपके पास चॉइस नहीं है 1 और 2 के कॉम्बिनेशन से आपसे आंसर नहीं पूछे गए तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। चेक कर लेते हैं फोर्थ को भी, रोल नंबर और मार्क्स, रोल नंबर और मार्क्स, ठीक है, से सब्जेक्ट नहीं हो सकता, क्यों, देखो रोल नंबर और मार्क्स के कॉम्बिनेशन भी आपके क्या आ रहे हैं 1001 से एक बार 65,
यहाँ से 75, यहाँ से 75, तो यहाँ पर जो है मेरा सेम जा रही है फंक्शन डिपेंडेंसी, तो ये तो मेरी है ही गलत, ठीक है, मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। सिमिलरली सब्जेक्ट से मार्क्स, सब्जेक्ट से रोल नंबर, सब्जेक्ट ये है मेरे, सब्जेक्ट में मेरी ये फंक्शनल डिपेंडेंसी वैलिड हो सकती है, क्यों, क्योंकि ये यूनिक वैल्यूज आ रही है मेरे पास, ठीक है, तो यहाँ पर मेरी एक कंडीशन ट्रू हुई, ठीक है, ये फेल हो गई, तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन सी जो है मेरा करेक्ट होगा। तो आपको समझ आया, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको चेक करना है अल्फा टू बीटा, अगर कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है तो अल्फा की वैल्यू सारी डिस्टिंक्ट हैं या नहीं है। यहाँ पर रोल नंबर और सब्जेक्ट थे, यहाँ पर मेरी डिस्टिंक्ट वैल्यूज आ रही है क्योंकि सब्जेक्ट मेरे पास सारे डिस्टिंक्ट है, ठीक है, तो इस तरीके से मुझे रोल नंबर को बॉर्डर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, दोनों के कॉम्बिनेशन से यहाँ पर की बनकर आई है मेरे सामने, तो ये मेरी फंक्शनल डिपेंडेंसी ओके होगी, ठीक है, मुझे आगे फर्दर चेक करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना। अब देखो मार्क्स से सब्जेक्ट, मार्क्स क्या मेरे रिपीट हो रहे हैं, वैल्यूज मेरी रिपीट हो रही है, एक बार अब 75 पे हिंदी, एक बार 75 पे आपको इंग्लिश मिल रहा है, सिमिलरली 65 पे एक बार बायोलॉजी मिल रहा है, एक बार 65 पे मैथ्स मिल रहा है, ये तो मेरी फंक्शनल डिपेंडेंसी की जो डेफिनेशन है वही गलत हो गई, ठीक है। फंक्शनल डिपेंडेंसी की डेफिनेशन में क्या चेक करना था कि आपको हर अल्फा की वैल्यू पर बीटा की वैल्यू सेम मिलनी चाहिए। अगर अल्फा की वैल्यू आपकी 100 टाइम रिपीट हो रही है, मान लो ए जो है अल्फा है, ए आपके रिलेशन में 100 टाइम है, तो उसके रिस्पेक्ट में अगर ए की वैल्यू आपको मिल रही है आई कैन से कि 1, ठीक है, तो हर बार जहां जहां आपको ए मिले वहां आपको 1 मिलना चाहिए। अगर आपको वहां पर 2 मिल रहा है या 3 मिल रहा है या कोई और नंबर मिल रहा है तो वो फंक्शनल डिपेंडेंसी वैलिड नहीं है, ठीक है, तो ये केस मेरा वही हो गया, ठीक है, तो यहां पर गलत हो गए। सब्जेक्ट और मार्क्स केस में रोल नंबर है, सब्जेक्ट देखो सब्जेक्ट सारे यूनिक है, सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन से जो भी आपके पास की बनकर आ रही है वो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो ये ओके होगा मेरा। अब रोल नंबर से मार्क्स, रोल नंबर मेरे रिपीट हो रहे हैं, मार्क्स मेरे रिपीट हो रहे हैं, तो ये कैसे फंक्शनल डिपेंडेंसी हो सकती है, क्योंकि ए की वैल्यू पे रोल नंबर में 1001 3 बार अकर हो रहा है मेरे रिलेशन में, ठीक है, और हर बार क्या कर रही हूं मैं, अलग वैल्यू मिल रही है मुझे, तो ये तो फंक्शनल डिपेंडेंसी मेरी वैलिड नहीं है। आप चेक कर लेते हैं इसको, सब्जेक्ट और मार्क्स लिया मैंने, सब्जेक्ट जहां पर है वो मैंने बताया था सारे सब्जेक्ट डिस्टिंक्ट है, तो ये वैलिड तो है ही है फंक्शनल डिपेंडेंसी। हम नेक्स्ट को चेक कर लेते हैं, सब्जेक्ट और मार्क्स को, सब्जेक्ट से मार्क्स, सब्जेक्ट फिर अब आपके पास एक की आ गई जहां पर यूनिक वैल्यूज है सारी, तो वहां पर आपको बीटा की वैल्यू चेक करने की जरूरत नहीं है, हमारी फर्स्ट ट्रिक काम कर गई यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप फंक्शनल डिपेंडेंसीज को चेक कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में गेट और नेट में ऐसे क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाते हैं, जब डीबीएमएस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कि ये मान के चलिए कि कुछ कैंडिडेट की से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, एक क्वेश्चन आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी से रिलेटेड भी मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, तो आपको ये मेथड एक बार प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अगर आप इसमें प्रैक्टिस कर लेते हैं ये आपके लिए आसान हो जाएगा, टफ नहीं है, और प्रैक्टिस करने के साथ साथ आप इसको फास्टेस्ट वे में भी कैलकुलेट करना सीख जाएंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम फंक्शनल डिपेंडेंसी का, दिस इज आवर सेकंड एग्जांपल, ठीक है, ये रिलेशन गिवन है एक्स वाई जेड, आपके 3 एट्रीब्यूट्स गिवन है, तो ये फंक्शनल डिपेंडेंसीज, इसमें से आपको चेक करके बताना कि कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी आपकी वैलिड और कौन सी इनवैलिड है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले से, अब आपके पास क्या है एक्स वाई टू जेड, ट्रिक मैंने फर्स्ट क्या बताई थी आपकी अल्फा टू बीटा, इन ट्रिक्स को आप बार बार रिपीट करो, रिवाइज करो, ताकि आपको याद हो जाएंगे। अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आप नोट्स बना लो कि पहली ट्रिक क्या है कि अल्फा टू बीटा, अगर अल्फा की वैल्यू डिस्टिंक्ट है तो बीटा की वैल्यू चेक मत करो। आप देखो हमारी फर्स्ट ट्रिक चेक कर लेते हैं, एक्स वाई 1415 1623 सारी वैल्यूज डिस्टिंक्ट आ गई, अब जेड कुछ भी हो मुझे नहीं चेक करना, ये मेरी वैलिड फंक्शनल डिपेंडेंसी, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं जेड, जेड से आप वाई की तरफ आ गए, अब आपको क्या देखना है जेड की वैल्यू क्या है, 3 है, 3 में आपको क्या मिला है 4, एक बार 3 में क्या मिला आपको 3, तो ये तो आपका वैलिड है ही नहीं। तो मैंने जो हमारी बेसिस ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी की डेफिनेशन होती है वो क्या है कि एवरी वैल्यू ऑफ अल्फा यू मस्ट हैव द सेम वैल्यू ऑफ बीटा, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार आपको 3 के केस में 4 मिला है, तो जितनी बार रिलेशन में 3 अकर होगा वहां पर y की वैल्यू आपको 4 ही मिलनी चाहिए। अगर वो अलग मिल रही है, डिफरेंट मिल रही है, तो फंक्शन डिपेंडेंसी इज नॉट होल्ड
गुड फाइन. तो ये आपकी फंक्शन डिपेंडेंसी वैलिड नहीं है. ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं इसको. सेकेंड को, अब वाई जेड से एक्स जा रहे हैं. अब वाई पर देखो आप, 4, 3, 5, 2, 6, 2, 3, 3. तो क्या वाई जेड के कॉम्बिनेशन से क्या डिस्टिंक्ट वैल्यू मिल रही है? कहीं पे रिपीट नहीं हो रहा मेरा. ठीक है, अब मुझे एक्स की वैल्यू चेक करने की जरूरत नहीं है. ये मेरी वैलिड फंक्शनल डिपेंडेंसी है. अब चेक कर लेते हैं वाई टू जेड. वाई क्या है? 4, 5, 6, 3 सारी की सारी डिस्टिंक्ट वैल्यू है, तो ये भी मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है. तो ये मेरा ऑप्शन मुझे अभी तक ठीक लग रहा है. ठीक है, अब देख लेते हैं सी को भी. y z to x तो मैं पहले ऑलरेडी प्रूव कर चुकी हूँ, ये ओके है, इसको दोबारा चेक मत करो. अब x to z चेक कर लेते हैं. x क्या है? 1, 1, 1. और z क्या है आपका? आप देखिए x की वैल्यू रिपीट हो रही है, 3 times 1, 1 है. और क्या हो रहा है, दो बार आपको 2 वैल्यू मिल रही है, एक बार आपको 3 मिल रही है. तो ये तो हो ही नहीं सकता, हमारी बेसिक फंक्शनल डिपेंडेंसी की डेफिनेशन को ये फुलफिल नहीं कर रहा है. ठीक है, तो ये इनकरेक्ट होगा. आप देख लेते हैं इसको भी हम. एक्स जेड टू वाई, एक्स जेड 1, 3, 1, 2, 1, 2, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा. आप देखो क्योंकि यहां पर क्या है, 1, 3, 1, 2, 1, 2, यहां पर यूनिक वैल्यूज नहीं आ रही है आपकी. यहाँ पे आपकी एक्स की वैल्यू क्या है, सॉरी अल्फा की वैल्यू क्या है आपकी, डिफरेंट आ रही है. तो ये फंक्शनल डिपेंडेंसी मेरी वैलिड हो ही नहीं सकती. ठीक है, अब वाई टू जेड. वाई क्या है? डिस्टिंक्ट वैल्यू है, तो z की वैल्यू कुछ भी हो मैं इसको मान सकती थी. ठीक है, लेकिन मुझे आंसर क्या चाहिए कि दोनों के दोनों फंक्शनल डिपेंडेंसी जो गिवन है वो ट्रू होंगी, तो आंसर ट्रू होगा. तो इस केस में मेरी एक फेल हो जाती है, तो ये भी मेरा फेल है. ठीक है, तो ऑप्शन जो बी है वो ओके है, इट इज करेक्ट एंड ऑल आर एक्सेप्ट ऑप्शन टू, ऑल ऑप्शंस आर इनकरेक्ट. ठीक है, तो ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे फंक्शनल डिपेंडेंसी को चेक करने के लिए, उनके वैलिडिटी को चेक करने के लिए. ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने आपको ट्रिक बताई है, आप उनके नोट्स बना लो, उनको बार बार प्रैक्टिस करो, ताकि आप एग्जाम में जल्दी से जल्दी के आंसर्स निकाल सके. ठीक है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में निकालना ही सब कुछ नहीं होता, हमें एक शॉर्टकट मेथड से, ट्रिक से जल्दी से जल्दी हमें आंसर्स निकालने होते हैं जो करेक्ट भी हो और आपका टाइम भी कम ले. ठीक है, तो जितना आप इन पे प्रैक्टिस करेंगे, जितने क्वेश्चंस पे आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपका होल्ड बनता जाएगा इन क्वेश्चंस पे, और आप जल्दी से जल्दी इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना सीख जाएंगे. अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इन वीडियोस को जो आपके लिए वैल्यूएबल है और स्टूडेंट्स के लिए भी है, ताकि वैल्यूएबल हो जाए, उनकी भी ये हेल्प कर सके. यही मेरा एक पर्पस है कि मैक्सिमम डाउट्स मैं यहाँ पर लेकर आती हूँ स्टूडेंट्स के, कहाँ कहाँ पर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो सकती है. क्योंकि यहाँ पर मेरा पर्पस सिर्फ एक डीबीएमएस पढ़ाना नहीं है और एक पेपर क्लियर कराना नहीं है. ठीक है, यहाँ पर हम एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और कल को अगर आपको से पूछा जाए कि डीबीएमएस के अंदर आपको क्या आता है, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो कि हमारे जो मेन चीजें हैं डीबीएमएस के अंदर आती है आपको या नहीं आती. अगर ये चीजें आपको आती है तो आप कह सकते हो कि डीबीएमएस आपको बहुत अच्छा है. और अगर आपको सिर्फ डेफिनेशन आती है और आपको सिर्फ एक बुक पढ़कर या थोड़े बहुत इधर उधर से पढ़ के आपने पेपर क्लियर कर लिया है, और आप तब आप नहीं बोल सकते कि डीबीएमएस आपको आता है. डीबीएमएस एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, इस पर आपका एक होल्ड होना चाहिए, क्योंकि इसके लिए आपके पास इंडस्ट्री में भी ऑप्शंस हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर बात करें, गवर्नमेंट जॉब्स की अगर बात करें, वहां पर भी काफी मैटर करता है ये सब्जेक्ट. ठीक है, इसीलिए सबसे पहले मैंने डीबीएमएस से स्टार्ट किया है. डीबीएमएस जैसे ही हमारा कंप्लीट होगा तो हम कुछ और सब्जेक्ट्स को लेकर आएंगे. इसी तरीके से हम प्रैक्टिस करेंगे, हम थ्योरिटिकल भी देखेंगे, हम उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी देखेंगे और हाई लेवल का भी देखेंगे. ठीक है, तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही. आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ.